देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कराया था और आज हम आपको टॉपिक वाइज हर टाइप के न्यूमेरिकल कराएंगे। छोटा पहला टॉपिक है आपका वैद्युत विभव और विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कराएंगे। देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को 15×10³ वोल्ट पर त्वरित किया जाता है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, 15×10³ वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है। 15×10³ वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया जाता है, तो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। तो यहां से देखिएगा डेल्टा के इक्वल टू होगा बेटा क्यूवी होगा, और ये चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यह आएगा 1.6×10⁻¹⁹ × 15×10³ अपॉन, ये हो गया बेटा जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगा तो 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 15×10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की न्यूमेरिकल करने, हर टाइप के दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल हम करा दे रहे हैं। उसके बाद जैसे इसके 30 पीरियड पूरे हो जाएंगे वैसे न्यूमेरिकल से हम सेट वाइज देना शुरू करेंगे। इसका वर्क आप सेट करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपसे बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, उसकी चाल क्या है। एक इलेक्ट्रॉन को आप 500 वोल्ट से क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो इसकी स्पीड आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ कूलम और मास, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9×10⁻¹⁹ केजी। तो देखिए यहां से आपके पास आएगा के इक्वल टू क्यूवी होगा। के इक्वल टू होता है बेटा 1/2 mv² × qv, v² = 2qv/m क्या होगा, m होगा v² आएगा √2qv/m हो जाएगा। देखिए जब इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट से आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेट करने पर उसकी वेलोसिटी आपको क्या करनी है, यानी स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो यहां से वैल्यू रखते हुए √2×1.6×10⁻¹⁹ वोल्टेज है 500/9×10⁻³। इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3×10⁻¹ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ये था बेटा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है, यानी त्वरित किया जाता है, त्वरित करने पर यानी एक्सेलरेट करने पर उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्यूवी के इक्वल होगी। के इक्वल टू 1/2 mv² होता है, इक्वल टू क्यूवी है, यहाँ पे v² की वैल्यू 2qv/m आ जाएगा, तो v√2qv/m होगा, v = 2×1.6×10⁻¹⁹ × 500 9×10⁻¹⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो v = स्पीड आएगी इसकी 4/3×10⁻¹⁷ मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटा।
अब देखिएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पर डिपेंड क्वेश्चन। एक बात क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर डिपेंड आपके इसी टॉपिक पर। जैसे सपोज करिए आपसे बोल रहे हैं 3.4 × 10⁻¹⁷ कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻¹⁵ जूल कार्य किया करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। यानी 3.4 × 10⁻¹⁷ कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी किया जाता है तो 1.7 × 10⁻¹⁵ जूल बर्डन होता है, तो आपको उस बिंदु पर वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, क्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 3.4 × 10⁻¹⁷ कूलाम और बर्गटन दिया हुआ है 1.7 × 10⁻¹⁵ जूल। तो वी इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3.4 × 10⁻¹⁷ अपॉन 1.7 × 10⁻¹⁵ ये 2 होगा, 2 × 10⁻¹⁷ × 10⁻¹⁵। तो V इक्वल टू 2 × 10⁻²। ये इसका पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि अगर इतने चार्ज को इतना बर्डन करना होता है, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लगाएंगे तो इतना वोल्ट आपको बर्डन क्या होगा फाइंड आउट होगा बेटा। अब आपसे कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दिया है यानी पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। ये टू पॉइंट आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, वस्तु दिया है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट, यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दिया है 60 वोल्ट दिया है और वर्डन कितना है चार्ज को ले जाने में, वर्डन फाइंड करना है और चार्ज कितना है 3 × 10⁻¹⁵ नाम है आपको वर्डन चाहिए। तो डब्ल्यू इन वस्तु क्या होगा, डब्ल्यू इन वस्तु आएगा आपके पास V अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू इन वस्तु V की वैल्यू 60 × 3 × 10⁻¹⁵ तो यह आ जाएगा आपका कैंसिल कर देंगे 20 × 10⁻¹⁵। यानी कि अगर दो बिंदु बीच विभवांतर दिया है 60 वोल्ट दिया है तो 3 × 10⁻¹⁵ को नाम चार्ज को ले जाने पर 1.7 पॉइंट तक कितना बर्डन होगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू बी अपॉन क्यू लगाएंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू 20 × 10⁻¹⁵ वोल्ट आ जाएगा, कितने जूल कार्य आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, +Q कूलाम चार्ज सूक्ष्म वस्तु में एक्स अक्ष पर 1.0 और -1.0 पर स्थित है, चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शानी है। पहला पॉइंट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है a, 0 और इसका दिया है -a, 0। यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है। पहला काम है इसको फिगर से इस बात को आपको बताना था ड्यू टू फिगर। तो फिगर ड्यू टू क्या बताएंगे, ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। इसके बाद बोल रहे हैं मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु
बिंदु पर यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा V इक्वल टू आएगा वी ए प्लस वी बी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए। तो V इक्वल टू आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू क्यू अपॉन ए। तो मूल बिंदु पर यानी कि ओरिजिन पर पोटेंशियल जो निकालेंगे वो कितना होगा V इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू क्यू अपॉन के हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट कह रहे हैं सिद्ध कीजिए वाई एच के किसी बिंदु पर विभव। प्रूव करना है इसी क्वेश्चन में प्रूव करना है थर्ड पर वाई बिंदु पर के वाचक किसी बिंदु पर विभव वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये प्रूव करना है वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। y एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आपका होगा v इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू क्यू अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करें बहुत ध्यान से दीजिएगा। ये a पॉइंट है ये b पॉइंट है प्लस q और ये भी प्लस q इसका कोऑर्डिनेट a कॉमा जीरो इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो। ये बेटा साइड ए हो गई ये साइड ए हो गई। अब मान लीजिए वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट आपने पी ले लिया ये पी पॉइंट है इस पॉइंट पर यहां से मिला लीजिएगा इस पॉइंट पर यहां से मिला लीजिएगा ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पर वाई लीजिएगा। अब हमको एपी और बीपी चाहिए क्या चाहिए एपी और बीपी अगर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल एओपी एपी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ओए स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एपी बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल बीओपी बीओपी यानी बी पी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। बी पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से बी पी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। ए पी और बी पी आपने निकाल लिया तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा बी पी इक्वल टू होगा बी ए प्लस बी बी। तो VP इक्वल टू आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के बेटा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों से कॉमन है तो यह आएगा आपके पास Q अपॉन AP प्लस Q अपॉन क्या होगा VP। अब वैल्यू रखेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिएगा बी पी इक्वल टू आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। तो ये आगे आपका यही प्रूफ करना था कि वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा V इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन था पहले पार्ट में क्या पूछा था इस बात को फिगर से बताना था दूसरा ओरिजिन पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना था और थर्ड पॉइंट है कि आपको प्रूव करना है कि वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा। तो पहला काम ये कि हम ए पी और बी पी को फाइंड किए उसके पी पॉइंट पर पोटेंशियल इसके ड्यू टू हो गया बी 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 ए इसके ड्यू टू क्या हो गया बी बी
आप वैल्यू रखेंगे, वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एक वर्ग है, एक बेटा आपका वर्ग है और वर्ग के साइड दिए हुए हैं ए बी सी डी, साइड दी है टू अंडर टू दिया हुआ और इसके ईच कार्नर पर 2 × 10⁻⁶ गुलाम का चार्ज रखा हुआ है QA, QB, QC, QD। तो यहां देखिए QA, QB, QC, QD इक्वल्स टू Q आपका प्लस 2 × 10⁻⁶ कूलम, 10⁻⁶ कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो आपको स्क्वायर के सेंटर पर क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, यानी कि वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए, ओ पॉइंट पर फाइंड करना। अब देखिएगा यहां जो साइडें निकालनी होंगी, ये ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये क्या होंगे BD upon 2, यानी कि डायगनल का हाफ है, मिडिल पॉइंट है, तो BD upon 2 होगा। और किसी भी स्क्वायर का डायगनल जो होता है उसके साइड का रूट 2 टाइम्स होता है, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू कितना होगा AB upon 2। तो सॉल्व करेंगे अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 upon 2, ये कैंसिल होता है, ये 2 मीटर कितना आ गया 2 मीटर। अब देखें यहां पोटेंशियल जो निकालेंगे B इक्वल टू बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी प्लस बी डी। बेटा एक चीज देखिए कि यहां से सभी से आप कॉमन ले सकते हैं 1/4 πε₀ K, तो 1/4 πε₀ K सभी से आप कॉमन ले लीजिए। बी ए का मतलब QA upon OA, QB upon OB, QC upon OC, QD upon OD। अब क्या करना है, देखिए ये सब इक्वल दिए हैं, ये साइड सारे इक्वल दी हुई हैं, इसको हम तो करिएगा आप ले लीजिएगा एक टोटल मान लीजिए एक्स कितना है एक्स, तो आएगा B इक्वल टू 1/4 πε₀ K 4 टाइम्स है 4Q upon क्या होगा एक्स, तो B इक्वल टू 9 × 10⁴ × 4 × 2 ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ / 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो B पशु कितना आएगा बेटा यहां पर 36 × 10⁻⁹, तो 36 × 10⁻³ हो जाएगा, यानी वर्ग के केंद्र पर इतना विभव निकल आएगा। तो इससे दो प्रोसेस होते हैं, किसी वर्ग के केंद्र पर निकालना है, वर्ग के केंद्र पर निकालना हो या किसी बिंदु आवेश के कारण विभव चाहिए, तो आप उसको इस तरह निकाल सकते हैं। कल मैंने इसी तरह हेक्सागन बताया था, यानी कि समसर्कुल बताया था, उसी तरह से आपको करना होगा।
अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बेस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और बेस क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे बोल रहे हैं यू 238 के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन की डिस्टेंस दी हुई है, उनकी वैद्युत स्थित ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है। तो दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज आपको मालूम होना चाहिए, Q1 इक्वल टू होगा +1.6 × 10⁻¹⁹ Q2 इक्वल टू होगा +1.6 × 10⁻¹⁹ और डिस्टेंस दिए हैं R इक्वल टू कितना दिया है 6 × 10⁻¹⁹ मीटर। U इक्वल टू फाइंड करना है यानी कि इन दोनों के बीच लगने वैद्युत स्थित ऊर्जा ज्ञात करनी है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो U इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0k Q1 Q2 / R 9 × 10⁻¹⁹ × 1.6 × 10⁻¹⁹ 1.6 × 10⁻¹⁹ upon 6 × 10⁻¹⁹। अब इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करें, सॉल्व करने पर 3.84 × 10⁻¹⁴ जूल आ जाएगा। ये इन दोनों के बीच की क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वैद्युत स्थित ऊर्जा होगी। देखिए अब देखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट पे देखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता पे आधारित देखिएगा। एक कैथोड किरण कंपनदर्शी, एक कैथोड किरण कंपनदर्शी यानी कि आपका होता है CRO कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप यानी ऑसिलोस्कोप यानी कि कैथोड किरण CRO कहते हैं। मैं प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दिया है 0.25 mm यानी मिलीमीटर है, इसको चेंज करेंगे 0.25 × 10⁻³ मीटर। इसके बाद बोल रहे हैं इनके बीच इतने किलो 3.125 किलो वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। वी पशु 3.125 किलो वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे इतना वोल्ट आ जाएगा। और इन प्लेट वैद्युत क्षेत्र में एक कैथोड कण कितना त्वरण उत्पन्न करेगा यानी एक्सेलरेशन आपको क्या करना है फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन होता है, आप कैथोड कण यानी इलेक्ट्रॉन का मास दिया है 9 × 10⁻³⁹ kg। उसके बाद आपसे कह रहे हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। देखिए F बराबर होता है बेटा QV होता है, E इक्वल टू होता है आपके पास V/D होता है। इक्वेशन नंबर 1 F बराबर क्या होता है MN होता है, दोनों के एलएसएस इक्वल है R के इक्वल कर दीजिए तो आएगा MA इक्वल टू आएगा UV/D, A इक्वल टू आएगा UV/MD, A क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, V की वैल्यू 3.125 × 10⁻³, M की वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹, D की वैल्यू 0.25 × 10⁻³। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये क्या गया यही एक्सेलरेशन है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8.9 × 10⁻¹⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
क्वेश्चन ये था बेटा कि एक कैथोड किरणकंपनदर्शी है यानी सीआरओ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, तो उसमें आपको प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दी हुई थी, उसमें आप पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रही है दिया है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया, तो किससे एक्सेलरेट किया गया, कितने वोल्टेज से आपको ये बताना है, कितने वोल्टेज से कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया गया ये बताना है। तो आपको मालूम है एफ इक्वल्स टू क्यू ही होता है, ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी है, वी नो दैट इलेक्ट्रो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन दो तीन नियम से होता है बराबर एम ए होता है, दोनों पहले से सिंपल कर दीजिए, आज से सिंपल करेंगे, ए की वैल्यू क्यू वी अपॉन एम डी आएगा, क्यू वी अपॉन कितना होगा एम डी होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ए इक्वल्स टू 8.9 इंटू 10 टू पावर कितना होगा 16 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल और बेस क्वेश्चन है, आपसे बोल रहे हैं एक डायपोल है, क्या है डायपोल ए और बी, क्यू एक वस्तु दिया है प्लस 1 × 10⁻⁶ कूलम और यहां दिया है क्यू एक वस्तु −1.1 × 10⁻⁶ कूलम और इनके बीच की डिस्टेंस दी है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² यानी 2 × 10⁻²। वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर दिया हुआ है 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, आपको वैद्युत स्थित ऊर्जा ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, तो यू इक्वल पहले पी इक्वल टू फाइंड करेंगे क्यू इंटू टू एल, बेटा यू इक्वल टू होता है थीटा, यहाँ नहीं दिया है थीटा 0 डिग्री ले लेंगे, थीटा कितना है 0 डिग्री, यू इक्वल टू −PE cos θ होता है −P की वैल्यू क्यू इंटू टू एल इंटू ई इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू है 1 × 10⁻⁶, 2L की वैल्यू 2 × 10⁻², E की वैल्यू है 1 × 10⁵, और cos 0 वैल्यू कितनी हो गई 1। तो देखिएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है डायपोल की, तो आएगा 2 × 10⁻³, 2 × 10⁻³ जूल है, तो इस डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थित ऊर्जा आ जाएगी आपके पास। तो बेटा ये मैंने इलेक्ट्रिक पोटास आपके कल 27 मिनट पूरे हो गए थे, आज 28-29 पीरियड कवर कर रहा है, इसमें एक पीरियड है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सीट भेजेंगे चैप्टर वाइज, उसको हल करेंगे। डेली होमवर्क जरूर भेजें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, होमवर्क नहीं भेजेंगे पर डे आपका एक नंबर का लॉस होता है जो कि प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत करेगा, ठीक है, एवरेज मार्किंग में दिक्कत करेगा, परसेंटेज में दिक्कत करेगा, इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए आप लोग होमवर्क डेली भेजें, प्रत्येक विषय का भेजें, एक विषय का नहीं हर विषय का भेजें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो सभी का भेजें, ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए होमवर्क जरूर भेजें। तो आज आपके 29 पीरियड कितने हो गए, इससे 29 पीरियड पूरे हो गए FA1 के, एक पीरियड पूरा होना है जो कि मंडे को पूरा हो जाएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है, और रिवीजन करते रहें, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ग्रुप में प्रॉब्लम डाल के पूछ सकते हैं, पूछना है उसको नेक्स्ट डे पीरियड में बताएंगे आपको, लेकिन पूछिए जरूर बेटा, थैंक यू।